दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले हम एक वीडियो लेके आए थे जहां पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, जहां पे हमने कवर किया था कि सुपरस्टार पोर्टफोलियोज को हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के सुपरस्टार्स ने कौन से स्टॉक्स को अपनी होल्डिंग के अंदर रिसेंट के टाइम में ऐड किया है, और कौन से स्टॉक्स जो उनकी होल्डिंग के अंदर पहले से थे अपने स्टेक को कम किया है या बढ़ाया है। और उसके पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम पांच और ऐसे इन्वेस्टमेंट सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। चलिए, कम टाइम लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले इन्वेस्टर की और बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की जहां पे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम किया, ज्यादा किया या कुछ स्टॉक्स को ऐड किया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विजय केडिया के बारे में, और हम बात करेंगे यहां पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिनको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको विजय केडिया ने दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। उन्होंने 482,891 क्वांटिटीज ऐड किया, जिसके चलते उनका इस कंपनी के अंदर 1.04% का स्टेक हो जाता है। इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1306 करोड़ का, और इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर -10% का रिटर्न बनाया है, और पिछले 12 महीने के अंदर इस कंपनी ने -19% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। हेरिटेज फूड लिमिटेड अपना मेजर बिजनेस फूड प्रोसेसिंग के अंदर रन करती है, और जहां पे ये मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर अपना बिजनेस रन करते हैं, और बिजनेस रन करने के लिए जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है उसका जनरेशन भी ये कंपनी खुद करती है यूजिंग सोलर एंड इसके अलावा विंड पावर का। सेकेंड कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में विजय केडिया ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। जल्दी से लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैभव ग्लोबल लिमिटेड, जहां पे विजय केडिया का सितंबर क्वार्टर के एंड में 2.03% का स्टेक था, जहां पे उन्होंने इसको कम करके 1.92% कर दिया है, यानी कि अपने स्टेक को 0.11% से कम किया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,787 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 59% का और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने 170% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वैभव ग्लोबल का मेजर जो बिजनेस है वो फैशन ज्वेलरी और इसके अलावा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के अंदर है, जहां पे अपना बिजनेस रन करते आए हैं। दोस्तों, विजय केडिया के बाद अब बात करते हैं प्रोंजू वेलियात का, और बात करते हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स के अंदर अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है और कहां पे उन्होंने कम किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन दो स्टॉक्स के बारे में जहां पे प्रोंजू ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है पिछले 1 क्वार्टर के अंदर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओरिएंट बेल लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी है जहां पे इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको प्रोंजू वेलियात ऑन करते हैं, वहां पे उन्होंने अपने स्टेक को 3.96% से बढ़ाया है। इस कंपनी के अंदर प्रोंजू वेलियात का सेप्टेंबर एंड में 0.29% का स्टेक था, जिसको करंटली उन्होंने बढ़ा के 4.25% कर दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 194% का रिटर्न बनाया है, और पिछले 12 महीने के अंदर कंपनी ने 93.5% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ओरिएंट बेल्स का मेजर बिजनेस सेरेमिक टाइल मैन्युफैक्चरिंग का है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इनके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि सोमैनिक सेरेमिक्स और इसके अलावा कजारिया, तो ये सब इस कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। सेकेंड कंपनी जहां पे प्रोंजू वेलियात ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, इसका नाम है डुरोप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां पे उनका सितंबर क्वार्टर के एंड में 2.85% का स्टेक था, जिसको करंटली उन्होंने 0.25% से बढ़ा के टोटल स्टेक को 3.10% कर दिया है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ज्यादा एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 करोड़ का है, और इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 63% का और पिछले 12 महीने के अंदर -8% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये बात हुई उन कंपनीज की जहां पे अपने स्टेक को बढ़ाया है। अब ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन सी कंपनीज है जहां पे अपने स्टेक को कम किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन दो कंपनीज के अंदर प्रोंजू वेलियात ने अपने स्टेक को कम किया है। सबसे पहली कंपनी का नाम है आर्चीज लिमिटेड, जहां पे उनका स्टेक सितंबर एंड में 3.55% का था, जिसको करंटली उन्होंने 3.26% पे लाके 0.29% से कट कर दिया है।
इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 42 करोड़ का है, जिसकी वजह से ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव 8% का और पिछले 12 महीने के अंदर एक साल के अंदर यानी कि नेगेटिव 33% का रिटर्न बना के दिया है। सेकेंड कंपनी जहां पे प्रोंजू ने अपने स्टेक को कट किया है, शालीमार पेंट्स लिमिटेड, जहां पे उनका स्टेक 3.53% का था एज ऑन एंडिंग ऑफ सेप्टेम्बर क्वार्टर, जिसको अभी 1.47% से कम करके उन्होंने 2.06% कर दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़ के आसपास का है, वहीं पे इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 80% का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 12 महीने के अंदर शालीमार पेंट्स ने पॉजिटिव 21% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद बात करते हैं मोनिश पोबराय की, और बात करते हैं वो दो स्टॉक्स के बारे में जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, उन दो स्टॉक्स के नाम है, सबसे पहले सनटेक रियलिटी लिमिटेड। ये कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से निकल के आती है, जहां पे उनका स्टेक सेप्टेम्बर क्वार्टर के एंड में 8.52% का था, जिसको अभी उन्होंने 0.6% से बढ़ा के 9.12% कर दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5100 करोड़ का है, जिसका मतलब उन्होंने इस कंपनी के अंदर 467 करोड़ का होल्डिंग वैल्यूएशन ले रखा है। सनटेक रियलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 49% का और पिछले 12 महीने के अंदर पॉजिटिव 12% का रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि रिसेंट के टाइम में हमने देखा है कि रियल एस्टेट कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। सेकेंड कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जहां पे इनका स्टेक सितंबर क्वार्टर के एंड में 4.11% का था, जिसको करंटली उन्होंने 6.56% कर दिया है, यानी कि 2.45% का इंक्रीमेंट किया है अपने स्टेक के अंदर। एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6400 करोड़ का है, वहीं पे इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर नेगेटिव 13% का और पिछले 12 महीने के अंदर नेगेटिव 20% का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं आशीष धवन की, और बात करेंगे हम एक ऐसी कंपनी की जिसको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है, और दो ऐसी कंपनीज हैं जो पहले से उनके होल्डिंग के अंदर थी, जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की, जिसका नाम है HSIL लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेलिंग एंड ट्रेडिंग करती है बिजनेस प्रोडक्ट्स की और इसके अलावा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की। ये कंपनी रिसेंट के टाइम में आशीष धवन ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है, जहां पे उन्होंने टोटल 53.3 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि टोटल कंपनी के अंदर 4.77% का स्टेक बाय किया है। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 217% का और लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 275% का रिटर्न बना के दिया है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। न्यू एडिशन के बाद अब इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वो दो स्टॉक्स कौन से हैं जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन दो स्टॉक्स के नाम है अरविंद फैशंस लिमिटेड, सेकंड कंपनी का नाम है RPSG वेंचर्स लिमिटेड। अरविंद फैशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो वहां पे उनका स्टेक 3.18% का था सितंबर एंडिंग में, जिसको उन्होंने बढ़ा के 4.33% कर दिया है, यानी कि अपने स्टेक को 1.15% से इंक्रीज किया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ के आसपास का है, पिछले 6 महीने का रिटर्न 17% का, तो पिछले एक साल का रिटर्न इस कंपनी का नेगेटिव 46% का है। अरविंद फैशन, जैसे कि इसके नाम से बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी मेजर बिजनेस अपना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रन करती आई है। इसके बाद अगर हम बात करें RPSG वेंचर्स लिमिटेड की, जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को 0.88% से इंक्रीज करके करंटली अपना टोटल स्टेक 3.97% कर दिया है, जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट 33.8 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 62.9% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने 1.13% का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे निमिष शाह के बारे में, कि एक ऐसी कंपनी है जिसको निमिष शाह ने रिसेंट के टाइम में अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है बनारी अमन शुगर्स लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर निमिष शाह ने टोटल 2.59% का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो। अगर हम होल्डिंग वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 50.8 करोड़ की निकल के आती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1975 करोड़ के आसपास का है। जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी अपना मेजर बिजनेस शुगर सेक्टर के अंदर रन करती है और इस कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर पॉजिटिव 21% का, तो पिछले एक साल के अंदर पॉजिटिव 10% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के ऊपर सेकंड पार्ट, जहां पे हमने आपको पांच और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज के बारे में बताया। हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में कवर करने का ट्राई किया जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को कम किया या बढ़ाया या रिसेंट के टाइम में अपने होल्डिंग के अंदर ऐड किया। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम जो भी वीडियोस लेके आते हैं, जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, हम प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारी वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो अपनी रिसर्च करें, हमारी वीडियोस को एज अ फैक्ट बेस्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक अच्छी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आप एक अच्छी रिटर्न बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन सम कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसके पीछे अपना रीजन भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.